फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। रोटियां वही अच्छी लगती हैं जो होती हैं गोल। रोटियां वही अच्छी लगती हैं जो होती है गोल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जीरो डोल। तो आइए जानते हैं जीरो डोल पी टेबलेट के बारे में। जीरो डोल पी टेबलेट दर्द बुखार में काम आती है। सूजन पड़ने पर जीरो डोल पी टेबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि किसी भी प्रकार की चोट लगने के कारण आपके शरीर पर सूजन आ जाती है तो उस सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर जीरो डोल पी टेबलेट का उपयोग करने के लिए कहते हैं। सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द होने पर भी जीरो डोल पी का उपयोग किया जाता है। दांत दर्द, कान दर्द, कमर दर्द आदि में भी जीरो डोल का उपयोग किया जाता है। जीरो डोल पी टेबलेट को खाना खाने के आधे घंटे बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि जीरो डोल पी को यदि कोई खाली पेट लेता है तो पेट में जलन और बेचैनी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जीरो डोल पी टेबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। वैसे जीरो डोल पी टेबलेट खाने की अनुमति डॉक्टर दिन में 2 बार देते हैं और कुछ पेशेंट को दर्द होने पर ही जीरो डोल पी दी जाती है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को जीरो डोल पी टेबलेट डॉक्टर से पूछकर ही देनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड जानते हैं जीरो डोल पी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, पेट में जलन, दस्त, अल्सर। ज़्यादा लंबे समय तक जीरो डोल पी टेबलेट को लेने से भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए यदि आप सब चाहते हैं कि आपको यह साइड इफ़ेक्ट्स ना हो तो प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लेकर ही जीरो डोल पी करो और अपने बारे में भी पूरी जानकारी डॉक्टर को, ये आपको पहले से क्या क्या बीमारियां रह चुकी हैं और पहले से क्या क्या दवाइयां खा रहे हैं उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं तो यही कहती हूँ, जीरो डोल के अलावा कोई भी दवाई हो डॉक्टर से पूछ कर ही खाए, खुद के डॉक्टर खुद ना बने। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं। किसी भी दवाई के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होती है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड शुक्रिया एंड टेक केयर।